डीएनडी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि टोल फिलहाल फ्री रहेगा। कोर्ट ने सीएजी को ऑडिट करने को कहा है कि प्रोजेक्ट बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी कितना पैसा वसूल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। डीएनडी टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि 10 किलोमीटर की सड़क को ऐसे बता रहे हैं कि जैसे चांद तक की सड़क बनाई हो। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई थी और कहा था कि आप लोगों के साथ हैं या टोल कंपनी के साथ। लगता है कि अथॉरिटी इस मामले में गंभीर नहीं है। वही कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 1991 से 92 का है, जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थी। 1997 में एमओयू साइन हुआ, 2001 में यह शुरू हुआ। फिलहाल 6 साल से कंपनी घाटे में चल रही है। शर्त के मुताबिक 20% सालाना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए या यह कॉन्ट्रैक्ट 30 साल चलेगा। हम इसकी जांच सीएजी या किसी एजेंसी से कराने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने का आदेश दिया था। न्यायिक अनुमान के मुताबिक डीएनडी से हर दिन 2 लाख गाड़ियां गुजरती है। कई संगठनों का आरोप है कि फरवरी 2001 में शुरू हुए इस फ्लाईवे को बनाने में 407 करोड़ रुपए का खर्च आया, जबकि अब तक यहाँ 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल वसूला जा चुका है। उनका कहना है कि कंपनी ने इस दौरान टोल टैक्स बढ़ाकर करीब 5 गुना कर दिया, जो कि गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को फिलहाल बरकरार रखा है। साथ ही कंपनी जो तर्क दे रही है उसको देखते हुए अब कोर्ट ने सीएजी से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। देखते रहिए डीबी लाइव।